आगो दौड़ो और जोर से। दौड़ने से अपने शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी का संचार होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। अरे यार, ऐसे दौड़ते रहेंगे तो शरीर तंदुरुस्त नहीं लेकिन ना दुरुस्त जरूर हो जाएगा। इतना तो फरहान अख्तर भी भाग मिल्खा भाग में नहीं भागा होगा। हाँ पार्टनर, फिर तो तेरी भी पिक्चर आएगी, भाग बद्री भाग। भागो, रुकना नहीं है, सब बच्चे और तीन तीन चक्कर लगाएंगे। और तीन चक्कर है? हाँ, उसके बारे में तो दुबे सर ने अच्छे से पढ़ाया है हमें। वही बात फिर से समझाने के लिए राठी सर ने ग्राउंड के चार चार चक्कर क्यों लगवाए? हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है हमारा स्कूल सिर्फ दुबे सर की वजह से ही चल रहा है। दुबे सर राठी सर से ज्यादा स्मार्ट और समझदार हैं। हम आज से कितना गलत समझता था इन दोनों को, ये तो हमको राठी सर से भी अच्छा मानते हैं। मतलब स्कूल में हम ज्यादा पॉपुलर हूँ, राठी सर से भी ज्यादा। ग्राउंड के 10 चक्कर काटने पर जैसे चक्कर आते हैं, वैसे ही चक्कर मुझे दुबे सर के सवाल पढ़कर आ जाते हैं। और उससे बचने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। लेकिन दुबे सर मुर्गा तो फिर भी बनाते ही है ना। अरे वाह, इस बार तो बड़े नए नए फूल खिले हैं अपने स्कूल में। मुझे तो लगता है हमारा स्कूल सिर्फ राठी सर के पढ़ाने के स्टाइल से चल रहा है। उनके जैसे टीचर तो कोई भी नहीं है, इसलिए तो राठी सर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल? अरे सबसे अच्छे टीचर हैं हम, तभी तो आज प्रिंसिपल हैं हम। अब हमें बच्चों को और ध्यान देकर पढ़ाना होगा ताकि हमारी पॉपुलैरिटी हमेशा बनी रहे। अरे क्या बात है दुबे जी, अकेले अकेले हंस रहे हैं? कुछ नहीं सर, कल एक जोक सुना था, वो अभी समझ में आया तो हंसी आ गई। वेरी गुड, हंसना और खेलना यानी फिजिकली चुस्त और तंदुरुस्त रहना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं, हमारी क्लास है। आप अपनी क्लास बाद में ले लीजिएगा, पहले हम बच्चों की क्लास लेंगे और उन्हें बताएंगे कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। प्रिंसिपल बन गए हैं, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाए कि शरीर से ज्यादा बच्चों के दिमाग का विकास होना ज्यादा जरूरी है। शाबाश मेरे शेरों, और जान लगा के। कोई बात नहीं बद्री, फिर से अपनी हिम्मत और ताकत दिखाओ, चलो शाबाश। कम ऑन बद्री। रुक जाओ, काहे लड़ रहे हो तुम लोग? और आप सर, इनकी लड़ाई छुड़ाने के बजाय आप उसका मजा ले रहे हो। दुबे जी, ये लड़ाई नहीं कुश्ती है, इससे हमारा तन बदन चुस्त और फुर्तीला हो जाता है, ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन सर, ये फिजिकल एक्सरसाइज का नहीं, फिजिक्स का टाइम है। चलिए सब क्लास में चलिए। बुद्धदेव, तुम बताओ गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? सर, जिसके कारण स्टूडेंट अपने गुरु की ओर आकर्षित होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसका मतलब दुबे सर और हमारे बीच जीरो गुरुत्वाकर्षण है। चुप रहो, फालतू की बकवास करते, चलो जाओ जाकर बाहर मुर्गा बनो। अरे यार, राठी सर और दुबे सर आज दोनों के दोनों हाथ धोकर पीछे पड़ गए। हाँ, दोनों तरफ से जान आफत में आ गई है। राठी सर हमें सुस्त बनाना चाहते हैं। अरे सुस्त नहीं, चुस्त। हाँ हाँ वही, और दुबे सर हमारे दिमाग का सत्यानाश करना चाहते हैं। अरे सत्यानाश नहीं, विकास, दिमाग का विकास। हाँ हाँ वही तो बोला।
वेरी गुड। मुर्गा बनने से पीठ लचीली होती है। और ये लो चेस, मुर्गा बड़े हुए इसे भी खेलो, इससे दिमाग और शरीर दोनों में ताकत आएगी। शाबाश, खाओ खाओ। दूध और केले सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और खाने के बाद ग्राउंड के 10 चक्कर और लगाएंगे। बताओ वो कौन सा जानवर है जो रात में खड़े खड़े सोता है? ये देखिए, एक घोड़ा है जो खड़े खड़े सोता है और एक ये है जो बैठे बैठे सो रहे हैं। सर, मैं तो सबको पहले ही मना कर रहा था कि ज्यादा दूध और केले मत खाओ वरना नींद आएगी। अरे ये क्या दुबे जी, आपने सब बच्चों को सुला दिया? अरे इतना बोरिंग क्यों पढ़ाते हैं कि बच्चे ही सो जाएं? सर ये हमारी पढ़ाई की वजह से नहीं, आपकी खिलाई की वजह से सो गए हैं। दुबे जी आपको नहीं पता दूध और केले खाने के क्या फायदे हैं, और आपको पता भी कैसे होगा, आप खुद ही फिट नहीं है। बच्चों चलो चलो सोकर उठ जाओ, बहुत रेस्ट हुआ। सब बच्चे 5 मिनट में ग्राउंड में पहुंचो, जल्दी। राठी सर के साथ खेलते हो और हमारी क्लास में सोते हो? नहीं सर, वो तो हम चुप रहो। इससे अगले पीरियड में तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा। अब तुम खुद सोच लो कि तुमको पढ़ना है या खेलना है। हो गया ना सबका खेल। अब देखता हूँ हमारा टेस्ट में कौन होता है पास और कौन होता है फेल। हमारे टेस्ट में पूरी क्लास फेल हो गई। सर हम सब थके हुए थे। हाँ सर, हमें चोट भी लगी थी, लिखा नहीं जा रहा था, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे सर, और इसलिए हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। चुप रहो, तुम्हारे दिमाग ने आज तक क्या क्या काम किए हैं हम अच्छे से जानता हूँ। चलो आज तुम ही नहीं पूरी क्लास बाहर मुर्गा बनेगी। हमारी क्लास में नहीं पढ़ोगे तो सबका हाल ऐसा ही हो जाएगा, समझे? दुबे जी ये सब क्या है, स्कूल के सारे बच्चों को मुर्गा बना दिया। हाँ सर, आजकल इन सबका ध्यान पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा हो गया है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ हमारी वजह से? अरे बच्चों को आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अच्छा हम ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं? तो जरा पूछिए बद्री से, स्कूल किसकी वजह से चल रहा है? अरे इससे क्या पूछना है, मैं बतलाता हूँ, प्रिंसिपल की वजह से। और पूछना है तो बुद्ध से पूछ लीजिए। सर हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हमने तो बद्री के मन की बात सुनी है। और मैंने बुद्ध के मन की बात सुनी है। क्यों बुद्ध, बताओ जरा। हाँ बताओ बद्री। सर आपने हमारी बातें सुनी थी क्या? हाँ। अरे सर हम तो ऐसे ही आपस में तू मैं कर रहे थे। लेकिन हमारी बातें सुनकर आप क्यों आपस में तू मैं करने लगे? सर हमें तो दुबे सर भी चाहिए और राठी सर भी। हाँ सर, स्कूल में खेल भी होना चाहिए और पढ़ाई भी। दुबे जी बच्चे सही कह रहे हैं, हम बेवजह आपस में तू मैं कर बैठे। हाँ सर बदी ये बुद्ध एकदम सही कह रहे हैं। तो बच्चों अब हम अपनी बात पे अड़ेंगे नहीं और आपस में लड़ेंगे नहीं। देखा बद्री, राठी सर कितने स्मार्ट है, मुझे पता था वो ही सब ठीक कर सकते हैं। नहीं ये सब दुबे सर की समझदारी से ठीक हुआ है, तभी तो राठी सर चुप बैठे, नहीं तो हमें और भगा भगा कर मिल्खा सिंह बना देते। नहीं राठी सर की वजह से। नहीं दुबे सर। मैंने बोला ना राठी सर। नहीं मैं बोला ना दुबे सर। राठी सर। दुबे सर। राठी सर। दुबे सर।